आज बारिश के बाद शाम को कोई जगह ढूंढ रहा था रुकने के लिए, और फॉर्चुनेटली बहुत एक अच्छी जगह मिली है मुझे। मैं दिखाता हूँ आपको। जब मैं आ रहा था रोड पे तो देखा मैंने शेफर्ड, जिनको बोलते हैं हम इंग्लिश में, जो भेड़ बकरियाँ रखते हैं और जो पहाड़ों के ऊपर चराने जाते हैं जैसे ही गर्मी आती है, तो उन्होंने अपनी कैंपिंग साइट बनाई हुई थी यहाँ पे आज के स्टे के लिए। तो उनके साथ मैं रुक रहा हूँ, मेरा टेंट मैंने पास में लगा लिया है। ये इनके घोड़े चर रहे हैं और इनकी भेड़ें जो है वो कहीं ना कहीं ऊपर चर रही होंगी, या फिर सेफ़ जगह इन्होंने रोक के रखी हुई है। और ये सारी इधर नदी है, इसके बिल्कुल किनारे हमारी कैंपिंग साइट है। अभी बस हम खाना बनाएंगे थोड़ी देर में। तो वो उधर मेरा टेंट है, ये यहाँ यासिन भाई का टेंट है, और ये दरिया किनारे इनके घोड़े हैं, वो दूसरा टेंट लगाए। यहाँ पे ये हमारा खाना बन रहा है, और ये खाने के पास कौन बैठी है भाई, ये लड़की ना, नाम नाम इसका ताजीम, ताजीम, ताजीम। हाँ। और वो अमरीन, अमरीन, वो अमरीन है अंदर। और ये अमरीन इधर देखो, इधर देख, अमरीन की आंखें मेरे जैसी है। ठीक है। और यहाँ चलो, हमारा डिनर तैयार हो रहा है अभी। तो यासिन भाई, आप जैसे चलते हैं, कितनी भेड़ें आपके पास? मेरे पास 250 भेड़ें। 250? आप अकेले के, आपके और भी साथ में है? मैं अकेला हूँ, और उनके लगा के कुल 400 है। 400? तो मतलब आप ऐसे ग्रुप में चल रहे हो? ग्रुप में चल रहे हैं। तो यहाँ से अभी मतलब जैसे मई का महीना आता है, आप निकल जाते हो? मई का महीने में निकल जाते हैं। तो आगे फिर यहाँ से आप उधर कश्मीर वैली में जाओगे? 5 महीने के बाद फिर दोबारा सर्दी में यहाँ आएंगे। तो 5 महीने तक आप कहाँ कहाँ, मतलब कोई ऐसा प्लान होता है कि किधर किधर जाना है, या सिर्फ जहाँ घास जगह होती है? अच्छा, उधर अपनी अपनी जगह होती है, जैसे जमीन होती है ना, अपने धारे वगैरह बने होते हैं। ठीक ठीक। वहाँ हम रहते हैं जाकर, और हमारी बकरी वगैरह पशु वगैरह खुले जंगल में चरते हैं, हम टेंट भी लगा लेते हैं, और धारे बने हुए होते हैं मकान। अच्छा अच्छा। तो वहाँ रह के 5 महीने गुजार के सर्दियों में फिर हम डाउन हो जाते हैं यहाँ। तो वहाँ जैसे जो धारे बने हैं, मतलब कई जगहों पे बने होते हैं, जहाँ पे भी जैसे कि आप 1 महीना 2 महीना कहीं पे रुकते हो, 1 महीना 2 महीना कहीं, मतलब जहाँ मेन बात यह कि घास होता है वहाँ ही रुकते हैं, वहाँ रुकते हैं, वहाँ ही रुकते हैं। तो उसके बकरी और घोड़ों को घास खाने के लिए होता है, ओके, वहाँ हम ज्यादा ब्रेक करते हैं। ठीक ठीक। तो इसलिए फिर हम सर्दियों में यहाँ हम डाउन हो जाते हैं। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट रजौरी, तहसील नौशहरा के हम रहने वाले हैं, J&K के। ठीक ठीक। तो फिर जब बर्फ पड़नी शुरू होगी तब उससे पहले आप निकल जाओगे? बर्फ से हम तकरीबन 1-1.5 महीना 20 दिन पहले डाउन हो जाते हैं, पहले आप वहाँ से निकल जाओगे। जी जी। तो फिर अब जैसे कि आप इकाल यहाँ से जाओगे जी, तो कश्मीर में उधर लास्ट पॉइंट कहाँ तक जाते हो आप? हम तो द्रास तक। द्रास तक। द्रास तक। और द्रास से फिर निकलते हो वापसी? फिर तो यहाँ से जैसे द्रास तक पहुँचने में कितना टाइम लग जाता है? यहाँ से हमको 1.5 महीना लग जाता है। 1.5 महीना। जैसे यहाँ से चले दिन में, रात जहाँ रुक जाते हैं, जहाँ रात पै जाती है वहाँ रुक जाते हैं, सुबह जल्दी उठ के फिर मार्च शुरू कर देते हैं। तो जैसे आपकी जो इतनी सारी भेड़े होती है जी, उनका जैसे जंगल में से निकलते हो आप जी, जी, तो जंगली जानवर का खतरा नहीं होता? होता, हमारे पास ये कुत्ते वगैरह भी होते हैं, और थोड़े हमको ड्यूटी भी कड़क करनी पड़ती है। अच्छा, नाइट में ड्यूटी देता है? नाइट में ड्यूटी देते हैं, लेकिन कभी कभी नुकसान हो जाता है, भी कर देता है। ठीक ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल सेफ निकलते हैं, कभी कभी नुकसान कर देते हो जाता है, हो जाता है। और उसके अलावा जैसे मौसम का है, मौसम का ये देख लो, अभी हमारे पास ये बहुत बारिश का, तो चलो मान लिया कि आप तो तंबू में आ गए जी, पर उनको फिर कैसे करते हैं? वो बाहर रहेंगे, बाहर ही रहेंगे। तो वो बाहर रहते हैं तो इससे उनको दिक्कत नहीं होती? जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको तो, जो कमजोर बच्चे होते हैं उनको तो दिक्कत आती है। उनको फिर आप करते नहीं कोई टेंट वेंट छोटा मोटा? कहाँ, इतना सफर में आप खुद जानते ही हो। नहीं, वो तो जानता हूँ मैं, पैदा करते हैं। ठीक ठीक। आप जैसे साइकिल पे सफर कर रहे हो, हाँ हाँ, आप लगाओ इसमें 2 क्विंटल, इसके ऊपर कितना घोर सफर करोगे? बिल्कुल, ये तो है, इसलिए सफर में बहुत दिक्कत आती है। बिल्कुल। और बर्फ वगैरह का जैसे उसमें निकल जाते हैं? हाँ, बर्फ में निकल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं आती। ज्यादातर हमारी जो बकरी है ये, इनकी रूटीन बनी होती है, इनको इतनी बर्फ में बारिश में दिक्कत नहीं आती। ओके। तो आपको सफर में जैसे जलते हो, ऊपर पैदल चलते हो सारा टाइम जी, 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 तो उसमें सबसे ज्यादा मुश्किलें किन किन चीजों में आती है? उनमें हमको ये मुश्किल आती है, बस
खाने पीने की थोड़ी दिक्कत। हाँ, खाने का जैसे आप अभी मान ले आप सब्जी बना ली, रोटी बना ली, जी, जी जी, तो इसका जो राशन है जी, राशन वो कितने दिन का एक साथ में लेके चलते हो आप? जैसे हम अपना देख लेते हैं कि हमको तकरीबन अपना आइडिया हो गया यहाँ इन सफरों का, तो जैसे हमने लिया यहाँ से हम 10 kg हमारा कहाँ तक होगा, वहाँ तक हम उतने सफर में 10 kg लेते हैं, वहाँ से जब खत्म होता तो आगे से अगर अगली रूटीन भी हम अपनी खुद देख लेते हैं 10 की जरूरत है या 20 की जरूरत है उतना हम वहाँ से खरीद लेते। मतलब देख पता लग गया कि आपको बाजार कहाँ कहाँ मिलेगा, कहाँ कहाँ मिलेगा, दुकान कहाँ है, इसमें हमको पूरा एडिया और उसके हिसाब से फिर राशन लेके चलते हैं। तकरीबन हमारी तकरीबन जिंदगी हो गई इन सफरों में। हाँ, वो तो है, अंदाजा तो अब हो ही गया है। हाँ, ठीक। तो आपको कितने साल हो गए ऐसे चलते हुए इस पे? लगा 1974 का मेरा जन्म है, तो वहाँ से 74 से लेके आज दिन तक चल रहे हैं। नहीं, 74 में आपका जन्म है, पर फिर भी आप कुछ तो उम्र 15-10 साल के लोगे तो। हाँ, तकरीबन 20 साल तो हो गए हैं, नॉर्मल 25 साल हो गए चलते हुए आपको। आप मेरे को ठीक ठीक है। आपसे पहले तो चलते ही थे आपके बुजुर्ग, चलते हमारे माँ बाप जैसे वो भी चलते थे, दादी दादा चलते तो थे। अभी आपको क्या लग रहा है कि जब आपने शुरू किया था आप चलते थे उस टाइम पे और आज के टाइम में कोई चेंज? बहुत दिक्कत आ रही है। आज दिक्कत ज्यादा है? आज बहुत दिक्कत आ रही है। आज हमको बड़ी दिक्कत आ रही है, जो हमारे भेड़े बकरियां चरती थी, हाँ, जंगल बहुत होते थे, उनका रास्ता होता था, कोई दिक्कत नहीं आती थी। आज हर जगह पे जो ये एक आबादी बढ़ गई है, हर जगह जंगल भी खत्म हो गया है। आज हमारे को बहुत दिक्कत आ रही है। अच्छा अच्छा। आज हर हल्ला, अब हम ये सिस्टम छोड़ेंगे तो अब इनका भेड़ों को रास्ता पता होता है, पूरा पता होता है दराज तक का? हाँ बिल्कुल पूरा। पर अब ये आबादी बढ़ी है, बीच में कंस्ट्रक्शन हो रहा है जैसे, तो इसकी वजह से इनके रास्ते कटे नहीं है? कटे हैं लेकिन फिर भी इधर उधर करके निकलते हैं, मजदूरी के तौर चलना पड़ता है। तो अभी आप जो आप कह रहे हैं कि आप छोड़ेंगे, और उसकी वजह क्या है, क्यों छोड़ेंगे आप? छोड़ेंगे आप, हमारी जो ये आबादी बढ़ गई है, जंगल खत्म हो गए हैं, भेड़े बकरी की चरने की जगह नहीं रही, और इसलिए हमारे को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। तो जंगल तो चलो खत्म हो गए, फिर भी मेरे ख्याल से तो भेड़ बकरियां तो अभी भी चरती हैं, लोग चराए थे। अभी हम कुल मिला के हमारे जो बच्चे हैं, हमको दिक्कत आ रही है बच्चे पढ़ने में, ये चीजों में। अच्छा, हाँ, उनको भी हमने अपना स्कूल भी नहीं है, पहले स्कूल मिलते थे। हाँ, अब हमको 4-5 साल से ऐसी दिक्कत आ रही है, स्कूल है। अच्छा, पहले आपको स्कूल मिलते थे? हमारे को वो स्कूल मिलते थे ना, वो डॉक में जो स्कूल मोबाइल टीचर मिलते थे। अच्छा अच्छा, मोबाइल टीचर वो डॉक में। अच्छा अच्छा, तो वो मोबाइल टीचर मतलब ऐसी सरकारें आई है वो है ही नहीं है। नहीं नहीं, मोबाइल टीचर कैसे, वो पहले तो हमारे जैसे आप आ गए हो, हाँ? हमारे साथ ही निकल जाते। अच्छा, वो टीचर आपके साथ निकलते हमारे थे? हमारे साथ टीचर, यहाँ जाके ब्रेक करते थे, बच्चों की क्लास शुरू हो जाती वहाँ पे। अब वो टीचर नहीं मिलते? अभी वो टीचर नहीं मिलते, सबसे बड़ी हमको ये मुश्किल। तो वो पहले सरकारें देती थी आपको? सरकारें, मोबाइल टीचर सरकार देती। अच्छा, हाँ, तो अब वो बंद कर दी? अब वो बंद कर दी। अरे, ये तो काम सर गलत हुआ है, ये चीज है, ये चीज। ठीक ठीक, बच्चों की बहुत मुश्किल आ रही है। हाँ, ये तो है, बच्चों का मेन बात तो स्कूल का बंद हो गया। अभी देखो ना, बच्चे पढ़ कर बहुत डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, आर्मी में जा रहे हैं, पुलिस में सर्विस कर रहे हैं, सब जगह। वहाँ रोजी रोटी नहीं मिलती। हाँ वही यार, अब इस तरह जैसे इसमें आप चल रहे हैं जिस काम में। देखो ना, आप खुद समझ लो, ये बच्ची अगर पढ़ी नहीं या ये बच्चा पढ़ा नहीं है, इसका एंड क्या होगा, आप खुद समझ लो। वो तो है ही, ये तो है। आज तो सिटी में जाओ तो पूछो कि हमने भाई जम्मू जाना है, गाड़ी कौन से गाड़ी जाएगी, वो बोलता है 47-7 गाड़ी लगी हुई है। जो बच्चा नंबर नहीं देखेगा उसको क्या पता 47-7 गाड़ी कहाँ मिली है। ये तो है, पढ़ाई तो अब हर चीज के लिए जरूरी हो गई, हर चीज कंपलसरी हो गई है। ये तो है ही है। ठीक ठीक, तो हमारी ये आवाज गवर्नमेंट तक पहुँचाना। मैं भेजूंगा, जहाँ जहाँ जाएगी वो अच्छी है, मतलब है ना, कहीं तो जाएगी, पहचाना ही हमारी, जरूर कोशिश करेंगे। ठीक, और ये इनका नाम, तुम्हारा नाम? अरफान। इरफान? अरफान पठान। अरफान पठान, अरे वाह, इरफान पठान जैसा बनेगा। मुझे क्रिकेट की बहुत शौक है। बहुत शौक है तो क्रिकेट खिलाना इसको। इसको क्रिकेट ही खिलाएंगे, इसको अपना इरफान पठान जैसा बनाना है ना। इस EBM खाना इसमें बनाएंगे क्या, एक में चावल है, ये देखो चावल, इसमें चावल है, दूसरे में सब्जी है, शिमला मिर्च बन रहा है। अरे वाह वाह, आलू और शिमला मिर्च। आलू और शिमला मिर्च,
और ये है इनका घर, डावर नहीं आज है ना, हाँ क्योंकि यही घर है अपना, ये हमारा मुसाफिर घर। बिल्कुल बिल्कुल, तेरा फोटो लेना है, है? रोई रोई क्यों तू? ठीक कौन डावर नहीं डावर रोटी बना रहे हैं ये। तो रोटी नॉर्मली आप किसके लिए बनाते हो, आप खुद खाते हो कि किसके लिए? तो कुत्ते के लिए, खुद सा चावल और दाल सब्जी दाल आपने, मतलब रोटी की जगह आप चावल खाते हो? और रोटी सिर्फ कुत्ते के लिए बनाते हो जो अपना भेड़ों की रखवाली करते हैं? अरे वाह, ये इसको तेरे साथ सुलाएगा? नहीं हैं ये बच्चा गैंग है तो ये इसको फिर इसको भी बाहर छोड़ दोगे? ये तो बहुत छोटा बच्चा है, वो आएगा ना इसके। अच्छा मम्मी ये फिर इसके साथ छोड़ो। ठीक, चाहे इसको तो चाहे अंदर ही रख लो आप। नहीं इसको अंदर रखेगा अगर बारिश हुई। अंदर टेंट में। ओ गॉड, ओ प्रिया जंगल। बस करना है, ठीक है, छोड़ हटा के, छोड़ ना। यूके है मेरी ना ले, यूके है, यूके है। अभी लश्कर बंद गया इनका और अब जाने की तैयारी है। हम लोग रात को यहाँ पे रुक के थे, अभी हम लोग आगे के लिए रवाना हो रहे हैं। आज कहाँ रुकोगे? आज हम जाएंगे आगे, हमारा एक हमारे अपना छोटा सा एक जगह है, उसका नाम उसको बोलते हैं ढेर का मैदान। वो कितने दूर है यहाँ से? यहाँ से होगा 20 किलोमीटर। ठीक है, चलो बढ़िया, फिर तो फिर मिलेंगे। जी सर, फिर मिलेंगे कभी? हाँ जरूर, अल्लाह ताला की रहमत हुई तो फिर जरूर मिलेंगे, जरूर जरूर पक्का मिलेंगे। ओके 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 ओके, ठीक है जी। आज इनका भी लश्कर बंद गया और अपना भी बंद गया, अब यहाँ से अलविदा कहते हैं। चलो जी, थैंक यू, ठीक है, अलविदा। ओके अलविदा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अगर बोल रहे हमारा